क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये शहजादे के अंकल, वो उनके फिलोसोफर एंड गाइड है। ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है। साथियों, मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं। साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनके फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं।
ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।